स्टार्ट करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। भगत सिंह की जय। महात्मा गांधी की जय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो मैं तो स्कूल में था और बहुत दिन बाद जनगण मनगण गाने का मौका मिला, गला बैठ गया, इतने ज़्यादा नारे लगाए हैं, मज़ा ही आ गया। और ये मिला है तो अभी अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बंदे को, जितने इतने हो पा रहे हैं उतने इतने खा ही लेंगे। सो गाइस, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑल द बूंदीज, वैसे बूंदी कम थी, लोग ज़्यादा थे, बट हम भी एनसीसी में हैं, हमने भी एक गिलास में पूरे कंटिजेंट का पेट भरा है। अभी क्या होता है, मेरे गांव में स्पेशलिटी क्या है, मैंने बताया था पहले ही, कबड्डी का मैच, बट आज कबड्डी का मैच हो भी रहा है तो मैं आपको दिखाऊंगा 15 अगस्त के दिन कि हम क्या करते हैं। हम गांव में कबड्डी का एक गेम ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, वो क्या होता है, इंटर गाँव होता है। तो मैंने बताया था हमारा गाँव है फेमस कबड्डी में, तो आज का जो ब्लॉक के आगे होंगे आपको बहुत सारे हाईलाइट्स मिलेंगे देसी कबड्डी के। ये कोई प्रो कबड्डी नहीं, देसी कबड्डी है, मिट्टी में जो खेली जाती है। मेरी आवाज़ का थोड़ा पंगा होगा, मेरा गला बैठ गया नारे लगाते। तो बाकी ये भाई पहला ब्लॉग है मेरा इन पब्लिक, थोड़ा सही सा लग रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। एक मैच जीत चुका है हमारा गांव और उसका मैं शूट ही नहीं कर पाया, तो आगे वाला एक मैच होने वाला है किसी कैमार गांव से, तो भाई हमें तो पता है रिजल्ट, जीतने वाले तो हम हैं ही। तो भाई इस गेम स्टार्ट हो गया है, अभी तो स्टार्टिंग में क्या था, टेंशन का माहौल कम होता है थोड़ा सा। तो मैं दिखाता हूँ हमारी टीम और दूसरे गाँव की टीम, ये इस साइड वाली दूसरे गाँव की टीम है और उस साइड वाली हमारी टीम है। स्कोर बोर्ड हो रहा शायद आपको दिख रहा होगा, 2-1 के अभी हम आ गए। रिपोर्ट ये है कि हमारी जो सीनियर टीम थी जो आज खेल रही है वो 2 मैच जीत चुकी है, और जो हमारी जूनियर टीम थी जिसका ये है कैप्टन सूर्या, तो इन्होंने कल जूनियर टीम ये लोग जीत चुके हैं, और एक भाई है ये लोग भी जीत चुके हैं। हाँ, तो आज का जो अभी लास्ट मैच है ना, फाइनल मैच रह गया, इसमें 2 टीम आसपास की रहेगी, सबसे स्ट्रॉन्ग टीम इस हाथरस डिस्ट्रिक्ट की, ये आपस में आज लड़ने वाले हैं, और देखते हैं रिजल्ट जो भी हो, बट मज़ा आने वाला है देखने में, और हम तो जीतने का पूरा है ही हमारा, बट अभी के लिए फिंगर क्रॉस, क्योंकि आगे वाले प्लेयर भी अच्छे हैं और हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं। सो गाइस, वी विल सी। सो गाइस, एज आई सेड, टीम बहुत खतरनाक है, और अभी तक का पॉइंट का ऐसा सीन है कि भाई दोनों टीम अच्छी खेल रही है, ये वाला प्लेयर अपोजिट टीम है बहुत सही खेलता है, पर अपनी टीम भी खतरनाक है, ये कितना सही खेल रहा है। अभी कबड्डी में क्या होती है, झंडियाँ होती हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये झंडी आपको दिख रही होगी, ये वाइट वाली लाइन वाली झंडी, तो ये झंडियों का क्या होता है, अगर आप झंडी उखाड़ लेते हैं, आपको झंडी उखाड़ने पे 2 पॉइंट होते हैं, तो झंडी उखाड़ने पे आपको 2 पॉइंट मिलते हैं सीधे। कबड्डी के रूल्स होते हैं कि आपको दूसरी टीम में जाके उसको छू के वापस आना होता है बिना रुके, और आपको अपोजिट टीम कोशिश करती है कि आपको पकड़ के अपने ग्राउंड में रखे कुछ टाइम के लिए, लाइक एक सेकेंड के लिए। अभी सिचुएशन बहुत टेंस है, स्कोर हो रहे हैं 16 दूसरी टीम के और 10 अपनी टीम के। मैं बोल रहा था ये मैच बहुत खतरनाक होने वाला, 11 हो गए अपनी टीम के। अभी देखो आप ये एक और विजुअल, एक एक पॉइंट करके भरता जा रहा है, एक एक पॉइंट करके, बट हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है, हो जाएगा ठीक है। 6.5 hours later तो कबड्डी का जो मैच था वो खत्म हो गया, और हमारी जो टीम थी उसने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी है। फर्स्ट आने वाले बंदे बड़ा अच्छा खेले, अपनी टीम भी बहुत सही से खेली, बट हार जी चलती रहती है, कोई डजंट मैटर, कोई पंगा नहीं है उसमें। बाकी ये एक अच्छी चीज़ लगी कि यार कोई इतने सारे दूर दूर के लड़के आए, सारा यूथ जवान लड़के जोशीले, बट किसी में कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। गाँव में ऐसा ना यूजुअली हो जाता है कि जब इतने सारे बंदे इकट्ठे होते हैं कुछ ना कुछ बात हो जाती है, बट द बेस्ट थिंग इज़ दैट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और सब चीज़
अच्छे से ख़त्म हो गई। और इंडिपेंडेंस डे का जो हमारा हमेशा ऐसे ही होता है गांव में अगर होते हैं तो, कि हम कबड्डी मैच ऑर्गेनाइज़ करते हैं और वो भी अच्छे से हो गया, दोनों टीम अच्छा खेली। और हाँ, एक और चीज़, मुझे नहीं पता कि यार आवाज़ का क्या है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और जोश में थे। अगर किसी ने गाली वाली भी यूज़ करी हो शायद, तो प्लीज़ यार आई एम सॉरी। अब इतना सब अच्छे से शायद मैं एडिट कर भी ना पाऊँ, बट हाँ हो जाता है जब बंदा गेम में होता है ना, और बाहर जब ऑडियंस भी बैठी रहती है दोनों ही जोश में होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। तो आप अगर छोटे हो तो मत देखना इसको। और इंडिपेंडेंस डे अच्छे से हमने बनाया, खूब अच्छा सा। सरकारी स्कूल है वो गाँव का, हमने वहाँ पे वीडियो बनाई अच्छे से पहले भी, तो वहीं टीचर से आज मैं मिला, सारे टीचर्स बड़े अच्छे थे और सब कुछ अच्छे से हो गया। बाकी गाइस ऐसे ही कुछ ना कुछ करो, देश का नाम रोशन करो, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। कुछ इसको ना सेलिब्रेट करो, इसको इसको ऐसा ना दिवाली वाली की तरह से ऐसा अच्छे से सेलिब्रेट करो। घर में कुछ बनाओ, मिठाइयाँ और उसको अच्छे से, मतलब जैसे होता है ना तौर तरीके से सेलिब्रेशन, वैसे सेलिब्रेशन करो। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद।